Guys, welcome back to my channel. Now, today's video is so fresh, so new content-wise. Like, I've never seen anyone doing, this kind of video. It's a different topic altogether. So, basically, kisi se inspired nahi hai. Again, I want to mention this. Aisa hota hai na, generally, human tendency hoti hai. If we like somebody, ya kisi ko hum pasand karte hai, hame koi achha lagta hai, to we talk about that person a lot. Aur wo humare dimaag mein ghoomta hai. To wo generally, baaton mein nikal hi jata hai. And प्रोडक्ट के साथ में भी ऐसा ही होता है कि यार हम उसको ठीक ठाक एक्सपेक्टेशन के साथ में लेके आते हैं बट एकदम से बवाल कर देता है. सो आई वॉज लाइक कि आई हैव टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट दीज 15 मोर देन ऑलमोस्ट 15 प्रोडक्ट्स जो आई थॉट दे वर ओकेश एवरेज या सो सो बट नो दे टर्न आउट टू बी सो डैम गुड कि मुझे एक वीडियो बनाना पड़ा. फ्रॉम स्किन केयर टू हेयर केयर टू मेकअप देर आर सो रैंडम थिंग्स ऑल्सो विच इवन आई थिंक कि आप लोग भी जाना पसंद करोगे कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैंने सो सो लाइक विद नॉट दैट हाई एक्सपेक्टेशन मैंने लिया था बट दे वर सो अमेजिंग दैट आई एम हियर टू टॉक अबाउट ऑल दोज 15 प्रोडक्ट्स. दे आर इन दिस अमेजोन का डब्बा और अमेजोन का है तो ऐसा मत सोचना अमेजोन भाई साहब ने हमको पे किया है. नहीं, और जो भी लिंक्स होंगे ना वो एफिलिएट है. आई एम मेकिंग नो मनी, बस थोड़ा बहुत कमीशन मुझे मिल जाता है. तो आप देख लेना कैसे आपको लेना है. ये भी डिस्क्लेमर था, लाइक आई वॉन्ट टू पुट इट आउट देयर. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. सो इन जनरल आपने मुझे बहुत बार देखा होगा स्किन केयर हेयर केयर के बारे में बात कर रहे या हेयर ऑयल इन जनरल. मोस्ट ऑफ द टाइम आई टॉक अबाउट दिस हेयर ऑयल दिस. अब क्या हुआ, अब कौन सोचेगा कि ये बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल विच हैज नो केमिकल्स नो फ्रेग्रेंस नो सिंथेटिक कलर्स बट डोंट गो ऑन दिस, बड़ी गंदी बांस मारता है ये, ट्रस्ट मी. पर मैंने इसको अमेजोन से मंगाया था और नोबडीज रिकमेंडेशन ऐसी रिव्यूज देख के, लेकिन खुद का एक्सपीरियंस भी तो कुछ बोले भाई क्या ऑयल है ये. लेकिन अगेन बहुत सड़ी सी बांस मारता है, तो अगर आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है आप अवॉइड कर सकते हो, देन यू कैन गो हैड एंड बाय दिस बिकॉज इन माई हेयर क्वालिटी मुझे बहुत बेटर रिजल्ट्स फील हुए हैं. व्हेनेवर आई यूज दिस ना ऐसे लगता है कि मैंने कोई हेयर मास्क लगाया हुआ है और उसके बाद में जो आपको वो सॉफ्ट एंड वो शाइन फील होती है ना आपके बालों में, आई हैव एक्सपीरियंस दैट. सो इट हैज़ वर्कड Tremendously very good on my hair and also इसमें तिल का तेल है, सेसमे ऑयल with 15 other जड़ी बूटियाँ. सो उसका डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा है, बड़ा ही देसी. यू ऑल्सो वॉन्ट टू चेक आउट दिस, 295 इज द MRP एंड इन केस यू आर लुकिंग फॉर वन गुड ऑयल जिसमें सब देसी जड़ी बूटियाँ हों अच्छी वाली, तो आप ले सकते हो इसको. एंड इट इज़ मेडअप ऑफ नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स, आयुर्वेदिक है ये ऑयल, बड़ा अच्छा. ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, आउट ऑफ 10 ऑयल्स आई अप्रोच दिस द मोस्ट दीज डेज, अमेजिंग. अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस ब्रांड ना, I am so proud that I was the first few bloggers जिन्होंने इनका onion oil use किया होगा. अब आप सोचो किसका onion oil, I am talking about Ekte, ठीक है. तो इन्होंने मुझे एक किट भेजा था, this came in PR ये, और इसको भी initially I did not like because of the packaging, maybe मुझे समझ में नहीं आया था in the beginning, but जैसे जैसे मैंने इसको use किया है, it's a lip and cheek टिंट बीट रूट एक्टे का एंड दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. बहुत ही कम क्वांटिटी चाहिए, मैं सिर्फ हल्का सा नेल पे निकालती हूँ, यहाँ रखती हूँ एंड जस्ट पैट इट यू नो ऑन माई फेस. लिप्स पे मुझे इसको लगाना उतना पसंद क्यों नहीं है बिकॉज मेरे जो क्रैक्स होते हैं ना लिप्स में उसमें सेटल हो जाता है एनी टिंट. आई डोंट लाइक यूजिंग ऑन माई लिप्स, लेकिन इसको जो मैंने मेरे चीक्स पे यूज़ किया है, द ब्लेंडेबिलिटी द लॉन्जिविटी एवरीथिंग इज जस्ट सो नाइस दैट आई वॉन्ट मोस्ट पीपल टू ट्राई दिस प्रोडक्ट. इतना अच्छा है एंड द बेस्ट थिंग 6-7 घंटे आपके फेस पे वो कलर दिखेगा. ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए मुझे इसको वेयर करते हुए एंड यू सी हाउ गॉर्जियस हाउ नेचुरल इट लुक्स, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. नेक्स्ट आई हैव दिस मेकअप ब्रश एंड दिस इज फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज एक्सरसाइज स्टाइल और ये है CS11. आई डोंट नो विच ब्रश इज इट, किस काम के लिए है, बट आई यूज दिस टू ब्लेंड माई कंसीलर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू बोथ द लेडीज, दे आर डूइंग प्रीटी वेल इन देयर लाइफ एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू केम अप विद दीज ब्रांड्स एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी. निधि, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, यू आर एक्चुअली डूइंग सो गुड, आई एम सो हैप्पी. सो ये वाला ब्रश पता नहीं क्या डिस्क्राइब करता है, किसके लिए है, बट आई यूज इट घर पे. मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मेरे यहाँ रहते हैं तो मैं उसको यहाँ वहाँ यूज करती हूँ कंसीलर ब्लेंड करने के लिए. एंड ओ माई गॉड, मतलब मुझे इसको क्वालिटी देख के भी आपको लगेगा नहीं कि यार इतना अच्छा हो सकता है, बट दिस इज सो गुड. द ब्रिसल्स आर सो सॉफ्ट एंड इट इज मेडअप ऑफ रियली गुड क्वालिटी. द हैंडल फ्रॉम एवरीथिंग इज जस्ट सो गुड. यू डोंट सी मी टॉकिंग अबाउट ब्रशेज क्वाइट ऑफन बिकॉज एक दो ब्रशेज रखती हूँ मैं सेट और फिर उन्हीं के लगी रहती हूँ, मैं कुछ और ट्राई नहीं करती. द मिनट आई ट्राई दिस आई वॉज लाइक ओ वाओ व्हाट अ प्रोडक्ट, लाइक मीन व्हाट अ ब्रश.
seamlessly blend karta hai and without giving you that streak lines. I would love to blend my concealer with it, powder bhi kar leti hun. So good, maza aa jata hai. But I have to check ki aapko individual milta hai kya. And Cuffs and Lashes is now on purple, so again Nidhi, bahut hi random cheez hai. Okay, I knew clay mask mujhe bahut zyada suit karta hai. You must have seen me talking about L'Oreal clay mask quite often kyunki main uske bahut dabbe pe dabbe khatam karti hu. Even I love this, the Nykaa one. Nidhi, sadat mein alag hi story hai. It has that glow. I'll tell you कैसे. I was upset on, you know, one such day and इससे एक रात पहले ही मैंने मेरा beauty routine कुछ किया था बहुत ज़्यादा time दे के. And the next day when I came in studio ना, everybody was like, oh my god, I was upset, मतलब मेरा दिमाग खराब था, but I had that glow on my skin and I was like, wow. I mean, मतलब glow के साथ में fight करने का भी मज़ा अलग है, right? So I have experienced that kind of glow while using this, so it has worked very beautiful. मतलब clay mask का generally ऐसा काम नहीं होता कि glow add करेगा, skin को बहुत ज़्यादा smooth कर देता है. What I personally feel when you touch my skin, मतलब वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है. So it is clay it cool ageless beauty clay mask. That is how it looks like. I mean I've almost finished it. और बहुत बाथरूम में से निकाल के लेके आई हूँ मैं इसको, देखो ऐसे जम गया है. So इसके साथ में एक और कंडीशन है, हमेशा जब फेस गीला होना तब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, वरना ऐसे सूखा तो लगेगा ही नहीं है. Very nice product. I mean you should try it. काफ़ी सस्ता भी है L'Oreal वाले से. I recently got my hands on this Lakme Lumi cream just to try out if it works as good as वो strobe cream होती है या नहीं. भाई 200-250 रुपए में, what else do you expect from this छोटी सी little tube and from Lakme? Oh my god, absolutely amazing. इसमें ऐसे glitter particles, ऐसे chunky नहीं है. It is so sober and it acts like a moisturizer also on days when I'm not wearing makeup. I just use this and also high points pe, jaise bridge of nose pe, cupid's bow pe, yahan pe laga diya and you are sorted. You don't need anything else in your life if you have this moisturizer. Come on, I mean face ko jo suit karta hai moisturizer usko to use karo, but this is something I was amazed with the results. I mean I love this and iske sath mein maine Lakme ka highlighter bhi try kiya hai, but for some reason I did not like it that much. This is amazing and I would highly recommend this. I use it in so many ways. मैं इसको बहुत तरीके से use करती हूँ, mix it with my foundation, just as a moisturizer. Amazing, love it. Can somebody stop me if I start talking about this product? Oh my god, ये 10-15 मिनट जाएगा. भाई ये NYB की 5-in-1 लिपस्टिक इस इन दी शेड न्यूड मूड एंड देर इज वन मोर शेड जो कि थोड़ा सा ब्राइट कलर में है. ओ माई गॉड, जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर शेड जो मैं ऑलमोस्ट इतना खत्म कर चुकी हूँ, आई वुड buy this lipstick सिर्फ इस एक शेड के लिए. मल्टीपल टाइम्स आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट इन वन ऑफ माई वीडियोज, व्हाट्स इन माई बैग वीडियो. इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो, गो चेक इट आउट, इट्स लिंक्ड ऑन आई बटन यहाँ पे. इट इज दैट गुड. दिस पर्टिकुलर शेड इज लाइक माई लिप्स पर बेटर, यू नो MLBB वैसा कुछ. बहुत ही शेड्स प्यारे हैं और भी, लेकिन द फोकस इज ऑन दिस शेड. खत्म होता है तो मैं दूसरी लेने वाली हूँ, दैट इज फॉर श्योर. दिस इज अमेजिंग फॉर्मुलेशन, लॉन्जिविटी अमेजिंग, एब्सोल्युटली लव दिस एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई इट आउट. 250 रुपए में यू आर गेटिंग 5 लिपस्टिक्स. ओ माई गॉड, चुप करा दो कोई मुझे, दिस इज सो गुड. 2 साल हमारी पहले की खोज इतनी सक्सेसफुल कैसे हो सकती है? दैट आई बॉट दिस प्रोडक्ट वो फिल्टर लगा के कि यार सबसे सस्ता लो टू हाई, क्योंकि मैं तब Nykaa हॉल कर रही थी अंडर 100 रुपीज एंड आई फाउंड दिस प्रोडक्ट एंड इट इज सो गुड. दिस इज सो गुड, इट स्मेल्स सो गुड. एंड ऐसे परफ्यूम के साथ में होता है कि यार ये लगते नहीं है ऐसे, दे डू नॉट लिंगर ऑन अर बॉडी, बट नहीं, इट इज नॉट द केस विद दिस. दिस इज रैमसन, अच्छा नाम पढ़ लेते हैं, रैमसन्स ला ओपेल EDP ऑडे परफॉर्म. सो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. यहाँ पे ये नोज जो करके नोज नहीं होती वैसा सा कुछ कैप है. इट स्मेल्स सो गुड एंड इट स्टेज ऑन योर बॉडी, दैट मैटर्स द मोस्ट. अंडर 100 रुपीज फॉर दिस परफ्यूम एंड इट इज जस्ट सो अमेजिंग. फ्रेश फ्लोरल सेंट है इसकी, नोट्स तो बात ही करना भूल गए हम, परफ्यूम है यार मज़ेदार. आई एम श्योर ये कंसर्न आपके साथ में भी होता होगा दैट व्हेन यू आर डूइंग अ ग्लिटरी आई लाइनर, सॉरी आई मेकअप, और उसके ऊपर ना जो कलर्ड आई लाइनर होते हैं ना, वो टिकते ही नहीं है, वो लगते ही नहीं है, टिकेंगे तो क्या. बट नो, इट इज़ नॉट द केस विद दिस वन. दिस जस्ट ब्लू मी विद इट्स लाइक जो इसका एप्लीकेशन है, द पिगमेंटेशन, एवरीथिंग अमेजिंग. NYB का एलिस आइलैंड आई लाइनर इन द शेड ब्लू लगून अप्लाइज वेरी ब्यूटिफुली, ड्राइज डाउन मैट एंड ऑल्सो द कलर, इट इज जस्ट सो गॉर्जियस. आई हैव ट्राइड मल्टीपल प्रोडक्ट्स यू नो आई कैटेगरी में NYB के एंड आई वॉज लाइक ओके, बट नो, दिस वॉज नहीं, इसको ओके पे टिकना ही नहीं है. दिस वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन. ब्यूटिफुल आई लाइनर फॉर द पिगमेंटेशन,
10 में से भी 11 पॉइंट्स. अच्छा, आई एम श्योर आपके सामने भी ये होता होगा दैट यू आर यूजिंग वन प्रोडक्ट फॉर ओवर एंड ओवर, मतलब बहुत सालों तक चल रहा है, ऐसे पीढ़ियों तक जाएगा, बट डीप इनसाइड यू आर सो फ्रिकिंग बोर्ड ऑफ यूजिंग दैट प्रोडक्ट, बट यू स्टिल वांट टू स्टिक टू द सेम ब्रांड. अब मेरे साथ में ये चीज़ हुई थी निव्या के रोल ऑन्स के साथ में. आई यूज टू यूज दैट पर्ल ब्यूटी वाइटनिंग वाला, भी खुशबू वगैरह के लिए हर तरीके का यूज़ कर लिया, बट वो उसकी खुशबू से मैं इतना ऐसे हो गई थी कि मुझे आती ही नहीं थी एक बार के लिए. ऐसे होता ना, एक तरह की एक्सरसाइज करते हो तो फिर बहुत टाइम बाद काम करना ही बंद कर देती है. सो सेम वैसी चीज हुई थी. एंड देन आई स्विच टू दिस. दिस इज निविया डियो मिल्क सेंसिटिव विटामिन मिनरल, 48 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग है, ऐसा कुछ है. एंड दिस इज न्यू रोल ऑन. ओ माय गॉड, इट स्मेल्स डिवाइन. ये मेरा थर्ड बॉटल है एंड शायद मैं इसको 4-5 महीने ही हुए हैं मुझे इनको यूज़ करते हुए. एंड थर्ड बॉटल, कैन यू सी हाउ मच आई रियली लाइक यूजिंग इट. मेरे पास प्लम की पिट क्रीम भी है, मेरे को उसको भी यूज़ करना पसंद है, बट दिस इज जस्ट इट इज़ लाइक बहुत इजी हो जाता है लगाना उसको, फिर हाथ पे मलो टर ऐसे करो तो वो चीज़ होती है. दिस इज एक्चुअली वेरी गुड एंड इट स्मेल्स वेरी 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 गुड. आई एम श्योर, मैं इतना श्योर कैसे हो सकती हूँ. सबसे पहले, अच्छा, मैंने बहुत बार बात करी है आपसे विटामिन ई, जो न्यूट्रीडम का प्रोडक्ट है, मेड इन ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड, यू नो, बेबी लोशन, इतना इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी है उसकी, बट दैट इज़ फॉर ऑलमोस्ट 1000 rupees. 1000 bucks एक मॉइस्चराइजर के लिए, नॉट एवरीबडी कैन डू दैट ना. जिसको करना है वो तो कर ही सकते हैं, जैसे मैं भी करती थी, लेकिन एक बार के लिए आई वाज लाइक नहीं, कुछ अफोर्डेबल अच्छा. एंड देन बिल्कुल सही टाइम पे डर्माकोल ने लॉन्च किया विटामिन ई फेस मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई एंड फ्लेकी स्किन. नाउ जब मैं न्यूट्रीडम वाला यूज़ करती थी ना, आई यूज टू लव द स्प्रेडेबिलिटी, इफ दैट्स अ वर्ड, आई मीन वो बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है. बट द मिनट आई यूज दिस ना, आई वॉज लाइक कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द विटामिन ई प्रेजेंट एज एन इंग्रेडिएंट. तो मेरा वो कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो गया. ऐसा नहीं बोलूंगी कि उससे ज़्यादा अच्छा है, नहीं, बट प्राइज वाइज ये भी बहुत अच्छा है. यू कैन ट्राई दिस एंड आई वॉज सरप्राइज वेन आई यूज इट. और मैं भी इसको रात में, दिन पड़ता है, 4-5 मॉइस्चराइजर हैं तो इसका नंबर आ ही जाता है, बहुत जल्दी आता है. एंड आई एम लविंग using this product so much. I recently discovered this brand, Body Wise ka skin hydrating cleanser. Now I'll tell you, I was already in so much in love with this product. Lekin jab maine usko प्रोडक्ट वैसे शूट किया ना, फेस वॉश करती गई तो होता क्या है, कभी शॉट अच्छा नहीं आता, फिर आपको दोबारा यूज़ करना पड़ता है. तो और ऑलमोस्ट 2-3 बार मैंने प्रोडक्ट यूज़ कर लिया उस टाइम पे. एंड उसके बाद में जो मेरी स्किन थी, इतनी अच्छी क्वालिटी हो गई थी मेरी स्किन की दैट अगले 2 दिन तक मुझे वो मॉइस्चर, वो हाइड्रेशन मिलती रही मेरे स्किन में. इट इज़ दैट गुड. इट इज़ डेफिनेटली ऑयली स्किन टाइप, पीपल स्टे अवे फ्रॉम इट, क्योंकि दिस इज नॉट गुड फॉर यू, बट इट इज़ ब्लेसिंग फॉर पीपल लाइक अस. लेकिन बस मुझे पिम्पल वगैरह थोड़ा सा मेरे को कंसील करना पड़ता है, अदरवाइज तो आई एम, इफ आई एम यूजिंग दिस ना, आई डोंट नीड मेकअप. इट इज़ दैट गुड. इतना अच्छा ग्लो एड करता है मेरी स्किन पर, इतनी हेल्दी लगती है दैट आई रियली लाइक यूजिंग दिस फेस वॉश बिकॉज द काइंड ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स आई हैव ऑन माई स्किन. अभी मैं ये वाला वीडियो बहुत जल्दी रिलीज करने वाली हूँ, लेकिन आई एम श्योर बाई द टाइम दिस वीडियो इज रिलीज आई विल हैव 2 more variants in this. एंड ये है प्लम का बॉडी लविंग बॉडी ऑयल इन द वेरियंट वेनिला वाइट, बिकॉज आई लव दिस प्रोडक्ट सो मच. मेरे को पता चला हवाइन रूम्बा और एक और इनका वेरियंट है मिमोसा करके, उसमें भी इन्होंने लॉन्च किए हैं, बहुत नए नए हैं. दैट इज समथिंग वेरी न्यू, बट दिस इज, ओ माई गॉड, दिस इज लाइक, हाउ डू आई से, यू सी हाउ मच आई हैव यूज्ड इट. लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना से तो खत्म हुआ है, अरे भाई थोड़ा सा चाहिए एंड इट गोज अ वेरी लॉन्ग वे. बहुत जैसे स्प्रेड हो जाता है, बट मेक श्योर आप इसको अपनी सेमी वेट बॉडी पे यूज करो, सेमी ड्राई बॉडी पे यूज करो, जैसे भी बोलना चाहो, लेकिन आपको तब यूज करो तब वो स्मेल क्या बैठती है, मतलब वो फ्रेग्रेंस बैठती है आपकी बॉडी पे. ये एक्चुअली मुझे PR में आता है, आई हैव डन अ वीडियो अबाउट इट, ठीक है. आई वाज लाइक ओके, बट नहीं, दिस इज अमेजिंग. समथिंग जो कि आपकी बॉडी पे टिकता है ना मॉइस्चराइजेशन के साथ साथ, तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, दैट लिंगर्स ऑन योर बॉडी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो फॉर दिस आई वुड से येस, यू कैन गो हैड एंड बाय दिस. ओके, वैन इट कम्स टू फेस केयर प्रोडक्ट्स ना, तो मैं बहुत ज़्यादा पिकी हूँ, चूजी हूँ, ऑल दो आई ट्राई. लेकिन अगर मुझे कुछ सटल दिमाग में बैठ गया ना, तो मैं बिना छेड़छाड़ी के उसी को यूज़ करती रहूँगी, चाहे 1 साल निकल जाए, 4-5 महीने तो निकाल देती फॉर श्योर. बट यू मस्ट हैव सीन मी टॉकिंग अबाउट दिस almost 2018, 19, 20 and even 22. Because this is kind of a legacy जो मेरे बच्चों तक पास होगी, आई एम श्योर. दिस इज गुड वाइब्स का रोजिप ऑयल रेडियंट ग्लो फेस सिरम है ये. दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, लाइक इट्स ए सिरम, बट थोड़ा सा कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है. इट्स मोर लाइक अ फेस ऑयल मिक्स विद सिरम, सो आई डोंट नो, बट फॉरगेट अबाउट दैट, हाउ गुड इट वर्क्स ऑन माई स्किन. मतलब मेकअप के अंडरनीथ अगर मैं इसको वेयर करती हूँ ना, तो इट्स वेरी ब्यूटिफुली, मेरा मेकअप बहुत अच्छा फ्रेश दिखता है. एंड स्पेशली इन दिस सीजन आई लाइक यूजिंग दिस द मोस्ट एंड क्वाइट अफोर्डेबल. दिस इज एक्चुअली वेरी गुड. आई हैव अ बैकअप ऑफ इट हियर. अभी पैकिंग छोटी हो गई है इनकी यार, नो पैराबेंस, नो सल्फेट, दैट इज ऑल्सो goodness, right?
आई मीन यू शुड ट्राई इट. दिस वन मोर प्रोडक्ट जिसको मैंने बहुत बार मेरे वीडियोस में बताया हुआ है. अगर आप बोर हो गए तो आप स्किप कर सकते हो अगले एक डेढ़ मिनट तक, बट आई वॉन्ट यू टू सी एंड हियर एवरीथिंग गुड. आई एम गोना टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट विच इज मामाअर्थ कोको बॉडी लोशन विद कॉफी एंड कोको बटर. मैंने खुद के पर्सनली मैंने ये यूज किया था, बट होता है ना बहुत सारे वेरियंट्स में से आई थॉट कि यार कोको स्मेल्स गुड एक्चुअली, तो मैंने ये यूज किया. इट जस्ट नॉट ओनली हाइड्रेट्स योर बॉडी, काफी अच्छा डीप हाइड्रेशन देने के साथ साथ इट एक्चुअली वर्क्स ऑन द एक्ने मार्क्स एंड बॉडी जल जाती है या कहीं पे हल्का सा यू नो गैस वैस का लग जाता है. कीप हैपनिंग विद मी नाउ, कुकिंग करती हूँ मैं तो उसमें भी बहुत अच्छे से हील करता है उस एरिया को, सूथ करता है. सो आई रियली लाइक दिस बॉडी लोशन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वालिटी. ऑलराइट गाइस, सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स आई वांटेड टू टॉक अबाउट. मतलब किसने सोचा होगा वो महाभृंगराज तेल वाकई में इतना शानदार काम करेगा. ऑल्दो मैं हर बार उसको नहीं यूज कर पाती, बट जब भी करती हूँ अमेजिंग. तो आई एम श्योर ये वाला वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा. एंड ऐसा होता है ना यार कि यार इसकी जिंदगी में ऐसे कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, तो आई थॉट कि यार आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे. सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड. आप भी मुझे बताना आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा. अच्छा लगा है तभी तो आप यहाँ तक देख रहे हो. सो गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड आई विल सी गाइस इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए. ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपके केस में दे जस्ट ब्लू योर माइंड, आपका दिमाग ही उड़ गया ऐसा वैसा, हिंदी में तो ऐसे ही बोलते हैं इसको, ठीक है? तो वो भी मेंशन करिए. और ये भी याद रखिए, दैट आई लव यू ऑल so much. Bye. आज बैठ नहीं रहा रिदम.